अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से रोज़े बेहतरीन किस्म के गुजरे होंगे। आजकल गर्मी की इतनी शिद्दत नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास होता है, रोज़ा लगता भी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए समोसे, और वो किससे हम उसे फिलिंग करेंगे? चिकन और मटर से। जनाब ये चिकन है, ये हमने लिया था हाफ के जी, और इसको मैंने बॉईल कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी यखनी भी है, और ये बॉईल कर लिए चिकन। इसमें हल्का सा नमक मैंने डाला था फॉर द टेस्ट। और ये हमारे पास चने हैं, ये हमने चने पहले से निकाल लिए थे, जैसे सीजन आता है तो लेके रख लेते हैं और फ्रीज कर लेते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन तरीका रहता है वेजिटेबल्स और चीज़ों को स्टोर करने का। तो जनाब ये हमारे पास हाफ से थोड़े से ज़्यादा मटर हैं। अच्छा जी जनाब, ये हमने अब जो मटर रखे थे हल्के से ऑयल में बॉईल होने, सॉरी दम पे रखे थे, वो अब रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल डिश आउट हमने कर लिए हैं। और ये चिकन जो था हमने बॉईल किया था हल्का सा नमक डाल के, इसको भी हमने रेशा के फॉर्म में कर लिए, इसको यानी कि हमने मैश फॉर्म में कर लिया है, जिसको रेशे की शक्ल भी कह सकते हैं, तो ईजिली आपके मुँह में आ जाता है, आपको ज़रा वो ऐसा नहीं होता कि बड़ी बोटी आती है तो वो फिर आपको बड़ा डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए हम इसको छोटी सी फॉर्म में रेशे की फॉर्म में कर लेते हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून ही काली मिर्च। अच्छा अब इसमें ये है कि नमक जो है आप अपनी हिसाब से ज़रूरत इसको ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सॉल्टिश चाहिए था इसलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फ्रीज़र में रखते हैं कोई चीज़ वो फ्रीज हो जाती है तो उसके जो टेस्ट होते हैं यानी उसका नमक मिर्च जो होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं अपनी जो फ्रीज़र यानी फ्रीज्ड जो होती हैं चीज़ें जैसे समोसे हो गए कबाब हो गए उनमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। और चले आए हम, आप इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें चिकन डाल लेते हैं। ये चिकन हमने इस बाउल में डाल दिया, अब हम इसमें मटर डाल लेते हैं जो हमने हल्के से ऑयल में कर लें, घी में कर लें, मैं देसी घी प्रेफर करती हूँ, इसने मैंने उसी में किया, दम पे रखे थे थोड़े से। अच्छा अब ये बिल्कुल नरम, जिसको देख लें आप, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नरम नहीं है, थोड़े से ये सख्त भी हैं, बिल्कुल नरम हमने बिल्कुल नहीं करने, लाइक बॉयल्ड फॉर्म में हमने नहीं करने, इसको सिर्फ हमने हल्का सा तड़का देना है, जिसको तड़का भी कह लें जी। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक, हसबे ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए आप उतना डाल लें और चेक करते रहें साथ। अच्छा ये नहीं कि आप नमक एक ही साथ डाल दें और वो नमक तेज़ हो जाए, जितना आप डालेंगे उसके बाद उसको चेक कर लें कि इसमें ज़रूरत है मज़ीद या नहीं। ये ब्लैक पेपर है, इसको पिसा हुआ है, इसको भी हम डाल लेते हैं, यानी कि काली मिर्च। अच्छा ये हम इसे मिक्स कर लेते हैं, चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेते हैं, देन आई विल शो यू कि ये कैसा दिखता है। अच्छा जी ये अंडे की लेप तैयार हो गई है, ये मेरी जो साथ हेल्पर है उसने रेडी किया है, उसने बहुत पतली कर दी है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। अंडे में थोड़ा पानी डालते, सॉरी आटे में थोड़ा पानी डालते हैं और थोड़ा सा सख्त रखते हैं, लेकिन थोड़ा ये सॉफ्ट है, लेकिन इससे भी हमारा गुजारा हो जाएगा। इसको मैं फेंक नहीं सकती थी, फेंक देती तो आटा यानी रिस्क ज़ाया हो जाता। तो जनाब ये है पट्टी, और ये पट्टियाँ थी मेरे पास, और मैं अब आपको फिल करके बता दूँगी इसे कैसे फिल करते हैं। ये जनाब हमारा एक ढीला ढाला समोसा रेडी हो गया है, ऐसे समोसे रेडी करने हैं। अच्छा इसमें मैदे की भी, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे बताया कि इसमें मैदे के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, उससे ये होता है कि समोसा सख्त नहीं होता, इससे हो जाता है, लेकिन मेरी अम्मा मुझे बताती थी कि हम आटे से करते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, ये अभी मैं आपको आटे से दिखा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैदे से करके बता दूँगी, और अंडे से भी किया जा सकता है। जनाब ये हमारा एक समोसा रेडी हो गया है, और मज़ीद इस तरह समोसे रेडी करके मैं आपको बताती हूँ।
समोसों को हम ऐसे फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा नहीं डाल देंगे जिससे वो जुड़ जाएँ। कोशिश ये करेंगे कि ऑयल भी मुनासिब हो, हीट उसकी इतना गर्म ऑयल भी ना हो। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो आप लोगों को पता है कि समोसे जल्दी जल जाते हैं, उनकी जो पट्टी होती है वो थोड़ी सी बारीक होती है जिसकी वजह से वो जल जाते हैं। तो इस टाइम यूँ फ्राई कर लेंगे। जी ये ऐसे फाइनली जो है हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत कम आज हमने फ्राई किए थे क्योंकि आज अफ्तारी में और भी बहुत सी डिशेस थी। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़े से फ्राई करवाए हैं, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं यूज़ होते। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।